Papa? Surprise! इतनी सारी पतंग? हाँ, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था तो सोचा कि बच्चों के लिए पतंग ले चलूँ। तो मैं पतंग लेके आया। अब इसे खूब उड़ाना और खूब मजे करना, ठीक है? थैंक यू पापा। नेता, तुम उससे कुछ सीखे? आपकी बात सही थी दादी, अगर हम किसी के दिल से मदद करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। बेटा, बिल्कुल सही समझे। अच्छा दादी, मैं इनमें से कौन सी पतंग उड़ाऊँ? कितनी अलग अलग टाइप की पतंग है, कल मैं सबकी पतंग काट दूँ। एक तो उत्तरायण नजदीक आ रही है और कोई पतंग ही नहीं उड़ा रहा है। हाँ भैया, मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। ओके ओके भाई, भैया चलो हम पतंग उड़ाने जाते हैं। सॉरी देवांश यार, मैं अभी तो तेरे साथ आ नहीं पाऊंगा, मेरे को ये प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट करनी है परसों, तो मैं डायरेक्ट परसों ही आऊंगा, तू अभी अकेले जा। ओके। अरे सुन देवांश, वो टेरेस पे ध्यान से जाना और बाउंड्री वॉल से दूर रहना। ओके भैया। और हाँ, वो पानी वानी लेके जाना अपने साथ, बॉडी हाइड्रेटेड रखना। अरे अपना ही घर है, पी लूंगा। और हाँ, सनस्क्रीन लगाई है ना? हाँ, क्योंकि तेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। ओके भैया। और वो डोरी से थोड़ा धीरे खींचना, हाथ में कहीं चोट ना लग जाए। अरे भैया, टेरेस पे जरूर के घूमने नहीं जा रहा, अब शांत हो जाओ, काम डाउन। अरे अरे सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, अब तो तू मेरे जितना लंबा हो गया। पक्का जाओ ना, कि और कुछ बाकी है? जाना। एक्साइटमेंट तो देखो कितनी है पतंग उड़ाने। भैया वो देखो, देवांश आ रहा है पतंग उड़ाने, उसकी एक भी पतंग उड़ने मत देना, सारी काट देना। अब मजा आएगा ना। खींच लो भैया, खींच लो। अरे थोड़ी तो ऊपर आने दी उसकी पतंग। खींच लो खींच लो। ठीक है, तू बोल रहा है इतना तो खींच ही लेता हूँ। लपेट लपेट लपेट। अरे काय पोछे, लपेट गई, लपेट लपेट। क्या हुआ देवांश, तेरी फट गई क्या? नहीं भैया, दूसरी पतंग लेने जा रहा हूँ, आता हूँ वापिस। भाई देख, ज्यादा बोल मत, नहीं तो वो रूठ जाएगा, अगर रूठ गया ना तो वापस नहीं आएगा, फिर हम काटेंगे किसकी। भैया बहुत मतलब ही, आप हर चीज में अपना मतलब निकालते हो। अरे अपने मतलब की सोचने वालों को ही होशियार बोलते हैं। आप नहीं सुधरोगे तो सुधरना भी किसको है। हेलो, हेलो तन्मय, हाँ वो कुआ दृश्य वाला काम क्या? मैं गलत हूँ? मैं तू मेरे सामने होता ना, तेरे को ये खींच के लगा था। किसने लिया इसको टीम में यार? He speaking nonsense. अरे शांत हो जाए यार, क्या गुस्सा करते रहता है यार। इसमें देख। आज मैं उनकी एक पतंग तो काट के लूं। हट। क्या हुआ?
हाँ रोना आ रहा है, चल रो मत। अरे देवांश, अरे रुक, उदास मत हो, नीचे चला गया। अब हम अकेले पतंग उड़ा के क्या करेंगे, चल हम भी नीचे जाते हैं। लेकिन मजा बहुत आया। हाँ मजा तो बहुत आया। भैया। हाँ हाँ भैया, आप मेरे साथ ऊपर चलो, सचिन भाई मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्होंने मेरी 20 पतंग काट दी। क्या, इतनी देर में 20 पतंग काट डाली? हाँ। अरे कोई बात नहीं यार, पतंग तो कटती रहती है, टेंशन नहीं लेने का, तू जा पतंग उड़ा। भैया प्लीज चलो ना। ए दिखता नहीं है तेरे को कितना काम है मेरे को, कितना परेशान हूं मैं, तू जा भी इधर से। पता नहीं सचिन भैया का मुझसे प्रॉब्लम क्या है, पिछले साल भी उनकी समय टेरेस से गिरते गिरते बच गया था। क्या बोला दिवांश? अरे अरे कुछ नहीं बोला भाई, तू इधर देखना। अरे एक मिनट रे दिवांश, वापिस आ दो। हाँ भाई, ये अभी क्या बोला तू? वो मैं बोला कि सचिन भैया का मुझसे प्रॉब्लम क्या है। नहीं नहीं, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद कुछ नहीं बोला। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा देवांश। वो बोल। वो भैया। हाँ बोल। हमने आपसे एक बात छुपाई है, पिछले साल जब मैं ऐसे ही बैठा था तब सचिन भी आया और मुझे कहा कि मैं अकेले पतंग उड़ाने जाऊँ, तब दादी और मेरे सिवा घर पे कोई नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगा, पर उन्होंने मुझे भड़काया कि मुझे अकेले टेरेस पे जाना चाहिए। उस वक्त कोई पतंग नहीं उड़ा था, तो उन्होंने अपने मतलब के लिए मुझे कहा कि मैं पतंग उड़ाने जाऊँ, इसलिए वो मेरी सिर्फ अकेले की पतंग काट सके। तो मैंने दादी को कह दिया कि मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत रोका पर मैं नहीं माना और मैं पतंग उड़ाने गया। तो मैं पतंग उड़ाते उड़ाते गिरने ही वाला था कि श्रेय भैया आए और मुझे बचा लिया। भैया तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू आजकल मेरे भाई को बहुत हैरान कर रहे। मैंने कहा तेरे भाई को परेशान किया, बहुत पतंग काट रहा है तू मेरे भाई की। ट्रेन में तो पतंग तो काटूंगा ही नहीं, हाथ में लेके थोड़ी खड़ा रहूंगा मैं। और एक बात मेरे को भी पता चली कि पिछले साल उत्तराखंड में तूने मेरे भाई की जान खतरे में डाली थी। पिछले साल मेरा भाई टेरेस से गिरते गिरते बचा है। अगर मेरे भाई को एक भी खरोच आई होती ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। अरे तुम लोग इतने अच्छे दोस्त होते हुए भी झगड़ा कर रहे हो। चुप रहे एक मिनट। भाई देख, उस बात के लिए मैंने तेरे भाई से माफी मांग ली थी, और वैसे भी उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना। अच्छा तो मैं तेरे भाई को दो दिन खींच के लगा दूं और सॉरी बोलूं तो तेरे को चलेगा क्या? चलेगा? भाई देख, उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी और वो बात खत्म हो चुकी है, तो तू क्यों फिर से उस बात को शुरू कर रहा है? हाँ थटा, हाँ थटा ना भाई, शांति से बात करते और हाथ उठाना मुझे भी आता। बहुत शौक है ना तुझे पतंग उड़ाने का, आज मैं भी टेरिस में आ रहा हूँ, देखता हूँ तू क्या कर लेता है। हाँ तो तू देखेगा ही मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ करने की ताकत तो तेरे में है ही नहीं ना। ठीक है तो हम पतंगबाजी का एक कॉम्पिटिशन रखते हैं, और जो हारेगा ना वो सबके सामने सर झुका के माफी मांगेगा। इस उत्तरायण वो पतंग भी नहीं उड़ाएगा, यहाँ तक कि वो टेरेस पे भी नहीं आएगा। बोल, मंजूर है? मंजूर। ठीक है, आज शाम को टेरेस पे आ जाना। ठीक है, इस कंपटीशन को श्रेय घोष करेगा, चल देवांश। अरे देवांश भाई, ये तो नहीं मानने वाला भाई, तू तो समझ जा, ये दोस्तों के बीच झगड़ा चैलेंजेस कब से आने लगे? भाई मैं तो नहीं मानने वाला, समझता क्या है वो अपने आप को, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको।
पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं आप लोग को कंपटीशन के रूल समझा रहे। कंपटीशन में दो टीम्स होंगी। पहली टीम का नाम होगा टीम देवांग, जिसका कलर होगा रेड। दूसरी टीम का नाम होगा टीम सचिन, टीम सचिन का कलर होगा ब्लू। तो जो टीम सामने वाले टीम की दो पतंग काट देगी वो टीम जीत जाएगी। मतलब जीतने के लिए आपको पॉइंट्स टेबल पे दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। सो इज दैट क्लियर? रेडी, 3, 2, 1 गो। अभी देखो कैसे हरा था वो तुम लोगों को। अबे जाते हो सपने दिखता है बे। भैया नीचे रहो, भैया नीचे। बेबे ऊपर लो। मैं बहुत ऊपर आ गए, मैं नीचे में जल्दी बच्चे लालच ने फंसा दिया यार। मैंने बोला था ना ये लोग एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे मेरे सामने। तो इसी के साथ पॉइंट जाता है टीम सचिन को। टीम सचिन को जीतने के लिए अब बस एक ही पॉइंट की जरूरत है। भैया अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा वरना वो लोग जीत जाएंगे। चिंता मत कर, तो मैं कुछ सोचता हूँ। लाइट ढील आने दे, पतंग को मस्त हवा में सेट कर देता हूँ। इस एक पॉइंट के साथ जीत हमारी होगी। अबे ये कर क्या रहा है, इतनी कम ढील में तो इसकी पतंग कटेगी। कोई बात नहीं, खींचने दे इसको। भैया इतनी कम डी में मत खींचो। अरे शांत रहे यार, मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दे। भैया ये पागल हो गए, ढीला दे दे। और ये पॉइंट जाता है टीम देवांग को। अब दोनों टीम को एक एक पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। अभी तो खींची ना, पापा का स्टाइल था। वाह भैया आपने तो कमाल कर दिया। लाए हमें ये फाइनल पॉइंट किसी भी हालत में जीतना होगा, क्योंकि मुझे उस देवांग को बुरी तरीके से हराना है। ठीक है भैया, तू देख जैसा ये पॉइंट अभी हम जीते ना, वैसे ही हम फाइनल पॉइंट भी जीतेंगे और लास्ट में उसी को सजा मिलेगी। यस सचिन, तैयार है ना पनिशमेंट के लिए? वो तो वक्त ही बताएगा कि पनिशमेंट किसको मिले। वही वाली ट्रिक फिर से अप्लाई कर रहा है।
Yes! 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 Super! Bola! Bol! 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 Domo to bola! Mere bhai ne tumhari sari badan kaat di na! Losers! Devansh! Niche chal! Par bhaiya! Jitna bola na utna kar Devansh! Okay bhaiya! भैया बहुत मतलब ही आप हर चीज में अपना मतलब निकालते हो। बोला उनको, अरे देखो देखो देवांश देवांग, सचिन की पतंग भी कट गई। सुनो भैया, सचिन की पतंग कट गई, चलो जल्दी। क्या यार लड़के, ऐसी दूरी लेके आए, खींचते ही टूट गई। अरे आप लड़कों कुछ मत बोलो, हमारे दूर से घिसने की वजह से आपकी दूरी टूट गई। वो जो भी हो भाई, हम लोगों ने आपकी पतंग पहले काटी थी तो हम ही विनर कहलाएंगे। बराबर है ना श्री? बिल्कुल गलत, दोनों टीम्स के पॉइंट्स इक्वल हुए हैं, टू ऑल। इस हिसाब से दोनों टीम्स विनर हुई। सुना भैया, टाई हुई है, मतलब हम हारे नहीं है। तो पनिशमेंट? सुना नहीं क्या तूने? दोनों टीम्स विनर हुई इसीलिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी के साथ ये कंपटीशन यहीं पे ख़त्म होती है। अब ये गुस्सा झगड़ा सबको उड़ा दो और एक उत्तरायण के खुशी के त्यौहार को खुशी के साथ मनाओ। तो चलो अब सब साथ मिलकर पतंग उड़ाते। और भाई क्या सोच रहा है अकेले अकेले? सचिन थैंक यू। थैंक यू पर किस बात के लिए? मुझे पनिशमेंट से बचाने के लिए। मैंने क्या तुझे पनिशमेंट से बचाया? भाई मुझे सब पता है, ज्यादा भोला मत बने। देख भाई, जो किया मैंने दोस्ती के लिए किया। हाँ लेकिन आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे फिर से ये उम्मीद मत रखना। ओ देवान भैया, सचिन भैया जल्दी से इधर आओ। आ रहे आ रहे आ रहे। ये मेरा फोन बज रहा है भाई, तू जा, मैं फोन अटेंड करके आता हूँ। किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं है, जाना मैं। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ तन्मय, नहीं हुआ? अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कल तू आना, हम लोग साथ में मिलके सारा काम कर देंगे। तू चिंता मत कर, जरा सी भी चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। नहीं हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, चल अभी मैं रखता हूँ, ठीक है, बाय। और भाई क्या हो रहा है? अबे ये पतंग उठा, लाल वाली, ये बहुत अच्छी है ये। अबे पटवी क्या उड़ाएगा भाई? अरे उड़ेगी तू देखना, उड़ेगी वापिस आ जाएगी नीचे।